नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना COVID-19 महामारी के रूप में सारी दुनिया में इस समय तहलका मचाए हुए है और असमय अनगिनत लोग काल के काल में पहुंच रहे हैं। सिलसिला लगातार जारी है और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत के जो हमारे कोरोना योद्धा हैं वह लगातार इस प्रयास में है कि कोरोना COVID-19 को हम पराजित करेंगे। अब प्रत्यक्ष रूप से भी कोरोना योद्धा मैदान में हैं और प्रत्यक्ष रूप से भी मैदान में हैं। बात करेंगे फिलहाल में ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना योद्धाओं की जो लगातार अपना अपना योगदान दे रहे हैं। चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह में एक टेलरिंग का कार्य करने वाला व्यक्तित्व, जाना माना नाम कालेश टेलर, तखयुल कुरैशी, जिन्होंने लॉकडाउन के समय अपने समय का सदुपयोग किया और उस समय बनाए मास्क। और मास्क कोई ऐसे वैसे मास्क नहीं थे, यह एक क्वालिटी वाले, एक ऐसी क्वालिटी वाले मास्कों का निर्माण किया और वितरित किया आम जनमानस के बीच में। ऐसे लोगों को इन्होंने मास्कों का वितरण किया जो वास्तव में हकदार थे। ऐसे लोगों को मास्कों का वितरण किया जो मास्कों को खरीद नहीं सकते थे, परंतु उनको अच्छी क्वालिटी का, बेहतर क्वालिटी का मास्क उन्होंने प्रदान किया निःशुल्क रूप से। अभी भी यह सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के दमोह नगर में रहने वाले तखयुल कुरैशी लगातार अभी भी अपने कारीगरों के साथ मास्क बना रहे हैं। मास्क बनाकर वह लगातार लोगों में प्रतिदिन वितरित करते हैं। संख्या तो बतलाई जाती है कि लगभग 8 से 10 हजार मास्क इनने वितरित किए, परंतु जब उनसे प्रश्न किया तो वो सिर्फ यही बतलाए कि इसकी संख्या तो हम निश्चित रूप से बतला नहीं सकते। जब हमने पूछा कि यह बात आपने कहां से आपके मन में आई, तो उन्होंने कहा कि सोचा कि हम भी कुछ योगदान दें। लगातार अनवरत रूप से सेवा कार्य में जुटे हुए तखयुल कुरैशी से हमने चर्चा की। आइए सुनते हैं, हमारे होंगे प्रश्न और उत्तर होंगे तखयुल कुरैशी के, और जिज्ञासाएं जो आम जनमानस के बीच में होती हैं उसका भी समाधान करने का प्रयास हम इस समय करेंगे। तो मिलते हैं तखयुल कुरैशी से। भजन, ये कोरोना COVID-19 इस समय महामारी के रूप में फैला हुआ है और इसमें बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर अपने अपने तरीके से इसको समाप्त करने में योगदान दे रहे हैं। आपकी तरफ से काफ़ी सारे मास्कों का निर्माण किया जा रहा है, ये विचार कहाँ से आया आपके मन में? ये विचार इसलिए आया कि लोग इस परेशानी में तो मुब्तला हैं ही, लोग अपने तरीके से सहयोग कर रहे हैं इसमें, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से सहयोग करूँ मास्क का, क्योंकि हमारा काम टेलरिंग का है, तो भाई ये हमसे जुड़ा हुआ काम था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करो लोगों को, जो इससे सुरक्षा हो सकती है लोगों की। तो भाई ये मुँह ढाँक कर रखे हैं, तो इसमें कई वैरायटी के मास्क बनाए हैं और कई साइज के बनाए हैं, चेहरे के हिसाब से हैं, इससे सेफ्टी भी रहेगी। ये पूरा कवर करता है, ये पूरे हिस्से को कवर कर लेता है, और ये कान में ना लगा के इधर गर्दन में फंसा लिया जाता है, जिससे कान में जो दर्द होता है कान में फंसाने से, इससे ये दर्द से बचा जा सकता है, क्योंकि ये तो हमेशा लगाने का हो गया, जब तक इसका इलाज नहीं है हमेशा लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए ये यहाँ से अपन ने इसको इलास्टिक दिया है ताकि ये इसमें तकलीफ़ ना हो लोगों को, और इसी इसके चलते हुए ये जितना सहयोग बन रहा उतना कर रहा है अपन। अब क्योंकि आप एक नामी ग्रामी टेलर हैं जी, आपका एक नाम है ज़िले के अंदर जी, और आपकी जो फिटिंग है कपड़ों की वो बेहतर अलग तरीके की होती है जी, और उसी तकनीक का शायद उपयोग आपने इसमें किया है। हाँ, वो ये भी है कि भाई ये चीज़ अपन ने इससे उस काम से जुड़े हुए हैं, तो अपन ने ये चेहरे का साइज़ भी देखा कि भाई इसमें फिटिंग कैसी आना चाहिए, उस नज़रिए से इसको अपन ने ऐसा सेट किया। तो पिछले लगभग 2-3 माह लगभग लोग लॉकडाउन और 2-3 यानी कोरोना को हुए होंगे भारत में, आए वो 2-2.5 महीने से लॉकडाउन की स्थिति थी, और इतने ही समय से शायद सुना है कि आप ये जब पहला लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में तो दुकान खोली नहीं,
फिर उसके बाद थोड़ा सा वक्त मिला तो तब शुरू किया ये काम, तब से अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लगभग अपन जो प्रतिदिन आपके जो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों के लिए, लगभग कितने मॉक्स अपन दे चुके? ये तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन और कोई ऐसा नहीं है कि अपन किसी को भी मतलब किसी को थोक दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। निःशुल्क रूप से आप मतलब अपनी तरफ से रास्ते में जहाँ भी जैसे तो अपन बगैर मास्क के देखा तो उसको देते जाते हैं और दुकान पर आकर के लोग ले जाते हैं, ऐसा भी है इस तरीके से। ये एक प्रश्न और मन में आता है कि क्योंकि जब आप ऐसे सेवा भाव के साथ में जब जुड़ के कार्य करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मॉक्स खरीद नहीं पाते हैं, उनके हाथ में जैसे ही मॉक्स पहुंचता है आपका बनाया हुआ एक बेहतर क्वालिटी का, किस प्रकार का भाव देखते हैं? वो शुक्रिया अदा करते हैं और उनके दिल में जो वो आती है कि हम नई चीज परचेज कर पा रहे थे, खरीद पा रहे थे और इनसे मिल गई, तो वो दुआएं देते हैं। और अपन किसी तरीके से चाहते हैं कि सेफ रहें लोग और जो सहयोग है वो अपना हो रहा है। तो यह थे तखैल कुरैशी क्वालिटी टेलर के नाम से। यह लगभग 27 वर्षों से अधिक समय से यहाँ पर टेलरिंग का कार्य करते हैं। जिले का एक जाना पहचाना नाम है। समाज सेवा के रूप में भी इनका परिवार लगातार अग्रसर देखा जा सकता है। पूरा का पूरा परिवार समाज सेवा में भी लगा हुआ रहता है और हम मित्रों लगातार किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व से आपको मुलाकात करवाते रहते हैं। हमने अप्रत्यक्ष कोरोना योद्धा तखैल कुरैशी से मुलाकात की, चर्चा की और ऐसे प्रश्नों के उत्तर उनसे लिए जो आम जनमानस में कई बार मन में उपजते हैं वह उनने दिए। देखते रहिए LNB TV। मिलते हैं फिर एक नए व्यक्तित्व की मुलाकात के साथ, नए समाचार के साथ। नमस्कार।